फील्ड को कंपेयर करके रिजल्ट एंड फील्ड डिफाइन करते हैं, ठीक है। दो फील्ड कौन कौन सी है, आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी आपकी जो आप एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आपके पास बार मैग्नेट है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हुआ है, और इसके अराउंड जो कॉइनिंग है ये आपको एक्सटर्नल फील्ड करंट फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली फील्ड जनरेट होगी। इसके मल्टीमीटर मिलियम से सेट करेंगे सही, और आपका रेयर स्टेट है मैक्सिमम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये काम करेंगे इसको जीरो सेट करेंगे, और हमेशा जब भी रीडिंग दें इसके एक्सिस से देखिएगा, ठीक है। इनिशियली जब आपका जीरो सेट होगा तो आपका फर्स्ट डिफ्रेक्शन 10 डिग्री या 5 डिग्री के अराउंड आएगा। डिफ्लेक्शन 10 डिग्री का है, ठीक है। 10 डिग्री में कितना करंट है? 40। जीरो के इस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है। जीरो के इस साइड 20 क्लॉकवाइज। इस वक्त की जिस डायरेक्शन में रखी हुई है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट नोट करना है तो जस्ट की को रिवर्स कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5-5 के इंटरवल से डिग्री चेंज करते जाओगे एंगल रिजल्टेंट का। लाइक अभी 10 है तो अब आप इसको इंक्रीज करोगे 5-15 पे सेट करोगे, ठीक है। जब ये 15 पे सेट हो जाएगा करंट कितना है 23, तो ये एंटी सॉरी क्लॉकवाइज 23 डिग्री 23 मिली एम्स होगी। इसी तरह से 5-5 के इंटरवल से 15 के बाद 20, 25, 30 क्लॉकवाइज हो गया। एक तरीके का तो ये कि पहले आप तमाम क्लॉकवाइज ले लीजिए, फिर स्विच ऑफ कीजिए, जीरो देखिए सेट है कि नहीं, की को रिवर्स कीजिए, फिर ऑन करके दोबारा सेम वही काम कीजिए। दूसरा तरीके का ये कि हर स्टेप पे हाथ की हाथ उसी वक्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो एवरेज आता है क्योंकि सेम चीज़ है आपके पास दोनों डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होगा करंट को, तो वेरिएशन नहीं आती, पॉइंट पे वेरिएशन होती है। 23.84 है तो मैं यहीं पर इसको पोजीशन को रिवर्स कर दूँ, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज 15% है और ये 23.84 ऑलमोस्ट सेम है। वो उन दोनों में से कोई भी आदमी नहीं, दो हैं वो वहाँ आ जाइए वो वाला शुक्रिया।